और साथ ही संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे कर्नाटक की बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि जो 15 बागी विधायक हैं उनके वकील मुकुल रोहतगी का क्या कुछ कहना है। सर हिंदी में प्लीज। आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपना फैसला दिया जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी थे और उन्होंने फैसला ये दिया कि मेन मामला बाद में डिसाइड किया जाएगा क्योंकि कई लीगल मुद्दे इसमें रेस करे गए हैं। बट क्योंकि ट्रस्ट वोट कल है, कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला किया कि पहली बात तो 15 एमएलए 10 ओरिजिनल 5 और जिसमें मिस्टर आनंद सिंह हैं जिन्होंने 1 जुलाई को रिजाइन किया, पूरे 15 को कोई कंपल्शन नहीं है कि कल वो सदन में जाएं या ना जाएं। तो जो व्हिप इशू किया है कांग्रेस पार्टी ने कि ये 15 भी असेंबली में जाएं और ट्रस्ट वोट के हक में वोट करें या जेडीएस के जो 15 में से हैं, तो ट्रस्ट वोट में जाना या कंपल्शन के एक वोट करना, सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये रिलीफ दी है कि हम जाएं या ना जाएं हमारी मर्जी। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। जमानत के लिए ऐसी शर्त आपने सुनी ना होगी। रांची की एक लड़की के विवादित पोस्ट पर बेल के लिए कोर्ट ने कुरान बांटने का फरमान सुनाया है। जी हां, कोर्ट की शर्तें भाईचारे को बढ़ाने को लेकर थीं, लेकिन इस पर घमासान छिड़ गया। नेता से लेकर धर्मगुरु तक इस संग्राम में कूद पड़े। शर्तें रखी है कि मुझे कुरान की 5 पढ़तियां मस्जिद में बांटनी है, मस्जिद में जाके बांटनी है। कुरान बांटने पर जमानत की शर्त पर घमासान है। रांची से दिल्ली तक संग्राम छिड़ गया है। सियासतदान भी कूद पड़े हैं, धर्म के ठेकेदार भी विरोध का परचम फैलाने लगे हैं। मामला रांची की ऋचा भारती का है। ऋचा पर फेसबुक पे भड़काऊ पोस्ट, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा, लेकिन हंगामा जमानत की शर्तों पर मचा है। रांची कोर्ट ने ऋचा को जमानत दे दी है, लेकिन उसे शर्त के साथ। अंजुमन कमेटी वालों ने मेरे खिलाफ कम्प्लेन किया और बहुत जल्दी कार्रवाई करते हुए मुझे जेल भेज दिया गया। और उसके बाद अब जो बेल आपको दिया गया है तो उसमें क्या शर्तें रखी है? शर्तें रखी है कि मुझे कुरान की 5 पढ़तियां मस्जिद में बांटनी है, मस्जिद में जाके बांटनी है। जिसके लिए सिक्योरिटी दिया जाएगा? हाँ, सिक्योरिटी में जाके देना है। ऋचा को कुरान की 5 कॉपियां बांटने का आदेश दिया गया है जिसमें एक प्रति उसे शिकायतकर्ता अंजुमन इस्लामिया कमेटी को देनी होगी और कुरान की बाकी 4 प्रतियां अलग अलग स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में देनी होगी। कुरान की 5 प्रतियां बांटने के लिए ऋचा को अदालत ने 15 दिन का समय दिया है। मुझे नहीं याद कि ऐसा कभी कोई जजमेंट आया हो कि आपको किसी धार्मिक ग्रंथ की कॉपीज बांटनी होंगी, ऐसा हमने कभी नहीं सुना देश के इतिहास में। मुझे लगता है ये फिट केस है अपील करने के लिए। मात्र एक विचार है, किसी धर्म के प्रति एक विचार किसी ने रखा, इस बच्ची ने उसको शेयर कर दिया। वो शेयर करना इतनी बड़ी गुनाह हो गई? अगर देखा जाए तो जिसने लिखा है और उसके बदले में है, और साथ साथ उस बच्ची को जिन्होंने गालियां बकी हैं, जिसको बोलना समझाना तक मुश्किल इशारे में भी इतनी गंदी गालियां हैं, तो उसको भी जेल होना चाहिए। आप जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। रांची के पिठोरिया की रहने वाली ऋचा भारती के फेसबुक पोस्ट पर बवाल मचा है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने उसके खिलाफ शिकायत की और फौरन हरकत में आते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस की मुस्तैदी से घर वाले तक हैरान रह गए। मुझे किस तरह से बेल हुआ, मेरा बच्ची जब गई, क्योंकि ये तो 2 घंटा में 6 बजे यहाँ से ले गया और 7 बजे यहाँ से भेज दिया, हमसे मिलने तक नहीं दिया गया। हम जाने तो भागे भागे थाना पहुंचे तो अपने बच्ची से मिलने का रिक्वेस्ट किया कि कुछ उसको हम एक बोतल पानी तक देने नहीं दिया गया। 2 घंटा में इसको भेज दिया गया और 9 बजते इसको जेल तक भी भेज दिया गया। इतनी मैंने हमको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने वहां तक नहीं बताया कि किस अपराध में इसको लाया गया। पहले तो यही गुस्सा था, अगर फेसबुक पर ऋचा ने कुछ लिखा तो दूसरी तरफ से भी उसे इसी तरह का जवाब मिल रहा था। फिर एक तरफा कार्रवाई की पुलिस ने मनमानी क्यों की। अब इस बात पर गुस्सा है कि जमानत के लिए धार्मिक ग्रंथ बांटने की शर्त कितनी जायज है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।